राधे राधे एवरीवन। मैं अपने भाइयों से पूछ रही थी, मैंने कहा महंगे धागे बंधवाओगे या सस्ता कलावा बांधू, तो दीपक कह रहा है फ्री में जो कुछ हो वो बांध दे लेकिन मैं फिर भी इनको यही बांधूंगी क्योंकि मुझे पता है मैं कैसे ना कैसे इनसे खींच लूंगी पैसे कर है। अब देखना मैं इनसे पैसे लूंगी, मैं नहीं दूंगा क्यों ना दे, मैं चिपट जाऊंगी मैं दूंगा 1 रुपया नहीं दूंगा कोई बात नहीं, हमें ठिकाना पता रहेगा तुम्हारा, कहीं ना कहीं तो होंगे ही उसी कमरे में। तेरी बहू अपने आप काट के दे देगी, तेरे बच्चा तेरे सुपारी दे दूंगी, वे ले आऊंगे रिश्वत। आ खुद ते हम के थाए बैठे हैं, सच्चे में ठिकाने बदलता आंदा है। देखो भाई मैं कल अपनी तुलसी माता भी लेके आई थी, मेरी प्यारी तुलसी माता कैसी लग रही बताना, वैसे तो सुंदर ही लग रही है और सुंदर ही है। हाँ हाँ मुझे पता है भैया, मैंने किसी को बोला था, मैंने कहा थोड़ी देर इसको धूप में रखा करेंगे, तो किसी कह रहा था मंदिर में तो नहीं रखते, तो मैंने कहा अभी हमारी जैसे इसके पत्ते कई हुए उसे है ना, ये रह गए वो नारियल लेने जा रहा है, लव लव ना भी रहने मिल लगा के ना मिल नारियल ना रहने, सोचा करो एक दिन पनीर लेने भेजा था 1 घंटे में आया था बिना पनीर लिए, बोला कहीं नहीं दुकान खुली थी सुबह 7:30 बजे, फिर किसू गया 2 मिनट में लिया आया। लूट लेंगे ना तो वैसे मैं बता दूं अगर शक्ति को याद नहीं है तो मेरे पिछले रक्षाबंधन के भी रहते हैं, इस रक्षाबंधन के भी रहते हैं। सुबह उठा ना जो फ्रेश व्रेश हो गए उठ गया, उठू ना ही मैं लुट के पास इधर दावा है जेब बंगला भू रखे हैं उन्हें, ठीक है किधर जेब है, किस जेब है, किसी जेब में चश्मो नन्ना तो एक दिन ऐसा करूंगी शॉपिंग करान ले जाएंगी सारे लेडीज सेक्शन में करा लूंगी, नन्ना तेरे बाल कर बेरा तो फाड़ता ना हाई नरू ना मेरा लास्ट सारी लेडीज टी शर्ट उठा रहे, मेरा एक बता जी कर रहा था इतना टोकू है ना लेड़ दू हर घर आए पीछे को ये लेडीज है हम सभी पैर पजामे भी लेडीज टाव है चार बार के तो मैं दोनों लाए हैं रिकॉर्ड है और सुखी सूरत के भी उन्होंने 30 रुपए ठीक दे दी 10 10 रुपए सबसे अलग किसु को सबसे सुंदर बांधना भैया मेरे भैया दूध के बंधन को निभाना, नोटों से भरी गड्डियां जब भी मिले बहन को देख के आना। किसी ने ऐसे कलावे खरीदे भी नहीं होंगे, ये स्पेशली मंगवाए गए थे, ये मैंने सोचा था अपने बालों में लगाऊं लेकिन फिर मैंने अपना त्याग किया। कितने ये सब हॉट टू शॉम साला सर अगर भैया ये पानी हम पियेंगे दिन की छुट्टी कर लेंगे
अरे मेरे भाई 30 रुपए में काम नहीं चलेगा, किसी भी हालत में नहीं चलेगा। मैं तो अपने श्राम आरती तेरे कर दी बस चल हो जाएगा बस कभी लगा दिए पीले ने मेरी जैकेट में पड़े हैं। अच्छा मैं कर्ज ना कर रहा दुकान ना खुली कई दिन पे ₹33 नहीं है। अरे देखो 60 रुपए दिए मेरे बेटे ने, बहुत अच्छे इकट्ठे कर रहा था। दुकान ना खुली करते दे दूंगी दूसरे बदल के। ये किसी के नाम के ये थी बुआ शाही पनीर बन चुका है, जिसने खाना वो खा लो भाई, एक नंबर का है। देखने में अच्छा लग रहा है। अरे बेटा टेस्ट भी ऐसा है, तेरे मुंह में से झाग निकल जाएंगे, खा नहीं पाएगा। टेस्ट के बारे वो इसमें आपने कहीं साबुन तो मिक्स कर नहीं डाल रखा है झागने के लिए। तो यही समझ लो। पतंगे मेरे प्यारे बेटे, मेरी जान के टुकड़े, जल्दी बता क्या कह रहा था। भूल गया मैं क्या कह रहा था। भूल गया। मेरी सब्जी की तारीफ हो रही थी तो कह रहा है कि नमक मसाले और मैं लाया था इसलिए आपकी सब्जी की तारीफ हो रही है, अदरवाइज ऐसा कुछ खास नहीं था। और कविता पूछ रही है बहन एक बात बता, बिना प्याज लहसुन के तूने इतनी टेस्टी कैसे बनाई। तो फिर मैंने पूरा एटीट्यूड दिखाते हुए कहा नेक्स्ट टाइम जब बनाऊं तो किचन में साथ रहना, और तुम्हें भी सीखनी है तो आ जाना। तो जिम में आ चुकी हूँ और सच बताऊं तो अकेले आने का जिम बिल्कुल मन नहीं करता, लेकिन आना पड़ता है, क्या कर सकती हूँ। और ये मेरी क्यूट सी प्यारी सी बोतल है, कैसी लग रही है बताना। और आज करने वाली हूँ, शायद मैं लेग करने की सोच रही हूँ, बाकी मैं पूछूंगी ट्रेनर से कि क्या करूँ, क्योंकि आज लेग कर लेती हूँ फिर सैटरडे को लेग करूँगी, तो वीक में 2 बार लेग हो जाएंगे मेरे। और अब मैं जा रही हूँ ऊपर। हाँ श्वेता आज भी नहीं आई है, इसीलिए मैं अकेली आ रही हूँ, पता नहीं कब ही आएगी। रोज़ कहती है कि कल से पक्का उसका कल पता नहीं कौन से वाला है, क्यों नहीं आ पा रही है वो। कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जाती है कि वो नहीं आ पाती है। तो अब मैं एंट्री कर रही हूँ, बाय बाय। यहो जिम कर ली है और आज करके आई हूँ मैं बैक, और हालत ऐसी हो रही है बहुत ही ज़्यादा ख़राब, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। और आज राहुल ने कराई एक्सरसाइज तो बहुत हार्ड कराई है। अब जा रही हूँ सीधी घर, घर पे कविता ने खाना बना रखा होगा और घर पे वही काम चल रहा है, वो थोड़ा बहुत ठीक करा रहे हैं घर को। और अब मैं जा रही हूँ, जाके खाऊंगी खाना और पसर के सो जाऊंगी, बहुत थकान हो रही है। और अभी मैं प्रोटीन पी के आई थी, मैं जिम पहले जस्ट पहले मैं प्रोटीन ले लेती हूँ, उसके बाद मैं जिम आती हूँ। तो यही है मेरा आजकल का, अभी तक जो अभिषेक ने मुझे दिए हैं प्रोटीन वो मैंने अभी ओपन नहीं करे हैं,
उन्हें अपने जो प्रोटीन है वो खत्म होने के बाद मैं ओपन करूंगी। तो मेरा जो प्रोटीन है अभी चलेगा 4-5 दिन और, क्योंकि आजकल मैं अकेले ही ले रही हूँ। और अभी दीपक की भी ऐसी तबीयत चल रही है, लव के पैर में लगी हुई है, तो और कोई प्रोटीन ले ही नहीं रहा है। कीशु के भी मतलब वो कहीं जा ही नहीं पा रहा है, तो वो भी प्रोटीन नहीं ले रहा है, तो अकेली मैं ले रही हूँ, तो इसलिए इतने दिन चल गया। अदरवाइज़ हमारे घर में 1 हफ्ता भी नहीं चलता प्रोटीन। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच जिन्होंने यहाँ तक की मेरी वीडियो देखी, और तुम लोग देख ही रहे होगे मेरा स्ट्रगल कैसे कैसे क्या क्या कर रही हूँ। और ऐसे ही थोड़ा सा करते करते ही रूटीन सेट हो जाएगा। अभी तो पता नहीं चल रहा है बॉडी की शेप वेप क्या चल रही है, लेकिन धीरे धीरे पता चलने लग जाएगा। और अब मैं जाती हूँ, यहाँ पे लाइट अच्छी आती है, तो मैं सोचती हूँ कुछ ना कुछ बाइट दे दूँ और बाय बाय कर दूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच जिस जिसने मेरा ये वाला ब्लॉग देखा, और ऐसे ही मेरे चैनल पे बने रहिएगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे, हरे कृष्णा, गुड नाइट, शब्बा खैर, टेक केयर एवरीवन। आती हूँ मेरे लिए क्या गिफ्ट आया है, क्या भेजा है। अरे अरे, ये उतरना ही नहीं चाह रहा। और ये है गिफ्ट, अब तो मेरे पास बहुत सारा प्रोटीन हो चुका है। अब मैं ऐसी, मुझे ऐसी बॉडी बनानी चाहिए, ऐसी मतलब अपने आप को मेंटेन करना चाहिए कि कहानी बदल जाए। ये तो बहुत जबरदस्त है। इसे तुझे कैसा लग रहा है? तू नहीं पीता क्या चॉकलेट फ्लेवर? एक बार मैंने पिया। नहीं अभी तो खोला नहीं है। अभी तो खोला नहीं है, खोलेंगे तब देखूंगी कौन कौन पिएगा। और अभी मैं जा रही हूँ घर पे, मेरे को अभिषेक ने फोन करके बोला प्रैंक है। तो मेरे को लगा यार कितनी ठंड पड़ रही है, ठंड में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे पता था प्रैंक नहीं है। और अब मैं जा रही हूँ घर। देखो ये सामने गज्जे की दुकान है, ये मदर डेयरी, मैं यहीं पे आके खड़ी होती हूँ। और ये है वो सचिन एसोसिएट का ऑफिस, दिख रहा होगा तो इसपे भेजता है अभिषेक। अब मैं घर जा रही हूँ, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, राधे राधे। अभी ये मेरी फाइनल गुड नाइट है, राधे राधे एवरीवन। आते टाइम पेट्रोल खत्म हो गया था, एक बार पकड़ ले फोन पे, बाद में बता रहे थे। आते टाइम ना पेट्रोल खत्म हो गया था, तो मेरे को लगा मतलब थोड़ा ही रहता था, मेरे को लगा खत्म हो गया, और स्टैंड लगा लिया था मैंने, मुझे ध्यान नहीं था, हम लोग बातें कर रहे थे ऐसे ही, और फिर मेरे निकल गए प्राण। मैंने कहा अब पेट्रोल खत्म हो गया तो फिर कैसे बिछड़ा के जाएंगे। सुबह सुबह भी जैसे ना हमें मंदिर जाना होता है, तो मैंने कहा अगर ना भरवा पाए और रास्ते में खत्म हो गया, तो मेरे को ऐसी ऐसी बातें याद आ रही थी, इसीलिए फिर मैंने अब भी भरवा लिया। और अब हम जा रहे हैं तेरे प्यार की हो या। यार मेरे पास ना प्रोटीन इतना सारा हो गया, अब तो मुझे कुछ करके दिखाना चाहिए कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा। मतलब मैंने अभिषेक से कहा था कि इतना गिफ्ट नहीं चाहिए, और अभिषेक ने मुझे कहा कि पहले मैंने ऐसे मना कर दिया था, तो अभिषेक का मैसेज आया कि आपने कहा था कि आपको गिफ्ट चाहिए, तो मैंने कहा मैंने तो मना कर दिया था, मैंने जाके दोबारा अपना मैसेज खोला, मैंने कहा मना ही कर रखा है भाई, मैंने तो कह रहा कि आपने ना मैसेज में तो नहीं कह दिया था, लेकिन मन मन में कहा था कि चाहिए। तो ये मन की बात तो सच बता रही हूँ, देखिए ऐसे थोड़ा लालच तो होता ही है कि हमें गिफ्ट मिले, लेकिन हमारे संस्कार कहते हैं कि बार बार गिफ्ट नहीं लेना चाहिए। और मुझे मिला गिफ्ट, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और अब तो मैं उनके लगन के पीछे जाऊँगी। और अब जा रहे हैं हम फाइनली घर की तरफ। राधे राधे सभी को, सब अपना ध्यान रखना, सुरक्षित रहना, सर्दी से बचे रहना, और हो सके तो रात में दूध पीना, छुआरे, बादाम बादाम ये सारी चीज़ें डालती हूँ, क्योंकि मैं डेली पीती हूँ। अभी मैंने आज पहली बार का पीला डेली पीती हूँ।
दोपहर में पिया था, परसों दोपहर में पिया था। सच में मैं 7-8 अखरोट और मतलब 8-10 बादाम और किशमिश नहीं मिली मुझे किशमिश, और मुनक्खा खाती हूँ 5-6, और इलायची सब डाल के गरम मसाले भी डालती हूँ, अदरक भी डालती हूँ। अभी कुछ चीज़ें रह गई थी, जब अभिषेक का फोन आया तो मैं दूध ही बना रही थी अपना, और उसे फिर मैं 15-1 मिनट पकाती हूँ, ऐसा करती हूँ। अब पूरा अंधेरा आ चुका है, लेकिन मेरी बातें समझ आ रही होंगी आपको।